इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आपको अफगान संकट पर इस वक्त की 10 अपडेट बता देते हैं। काबुल से भारतीय राजदूत को वापस बुलाने का फैसला लिया गया है, बड़ी बात यह, और भारतीय दूतावास के सभी स्टाफ की भी फौरन वापसी हो रही है। C-17 विमान से 120 भारतीयों की वापसी कराई जा रही है। इस बीच गृह मंत्रालय ने इमरजेंसी वीजा सिस्टम भी लागू किया है। अफगानी लोगों के लिए वीजा की नई कैटेगरी शुरू की गई है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान का शिकंजा दिन ब दिन कसता जा रहा है। ऐसे में रूस, चीन और पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन भी कर दिया है। तालिबान को चीन पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन मिल गया है। अफगान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सफाई भी आई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने मौजूदा संकट से पल्ला झाड़ लिया है। इन सब के बीच काबुल में अफरा तफरी, दहशत का माहौल कायम है। तो अफगानिस्तान के संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति की भी सफाई आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम ऐसा युद्ध नहीं लड़ सकते जो किसी और का गृह युद्ध हो और वहीं के लोग इसे लड़ने के इच्छुक ना हो। जिस तरीके से अफगान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी ने अपना व्यवहार दिखाया और वहां की फोर्सेस ने सरेंडर किया, वो वाकई में चिंताजनक है। और अफगानिस्तान में कैसे हारा अमेरिका, ये भी देखना बहुत जरूरी है। आप देखिए हमारी डिटेल रिपोर्ट एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।